इस टाइम दो चीजें जो मेरी नहीं, एक ये सूट अबू जी का और एक रोजा। कल ही लाहौर से वापस लैंडिंग हुई है और कुछ सामान अबू जी की गाड़ी में था, तो वो ऑफिस में थे तो इसलिए उनका सूट पहन लिया और उन्हीं के रूम में सोया हूँ। तो अभी चेंज कर लूँ, अगली बात बाद में। चेंज करने के दौरान मुझे ये नज़र आई है, बेसिकली रनर अप था बैडमिंटन में, हॉस्टल में एक कंपटीशन हुआ था, तो ये मैंने कहा आपको ये भी बता दूँ, ये गैर ज़रूरी बात थी। ग्यारह बज चुके हैं और मेरा रोज़ा नहीं है और मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। नाश्ता कर लो। घर में होने के यही मसाइल होते हैं, कभी कोई बोतल साफ कर रहा है तो कभी कोई झाड़ू दे रहा है। खैर शोर था, इग्नोर करें इसे। तो बात यह है कि अभी मैंने नाश्ता करना है, कुछ भी नहीं खाया मैंने। तो अभी अम्मी से पूछा है तो उन्होंने बोला अंडे नहीं है, तो अभी जाके अंडे लेके आने, फिर नाश्ता करना है, शायद खुद ही बनाना पड़े। मेरे साथ साथ अंडे भी आ गए वापस, तो नाश्ता बनाएंगे, लेकिन वो सीन ऐड नहीं करूँ। वो सीन क्यों नहीं ऐड करना, मेरी मर्जी, आपने करना 100 बिस्मिल्लाह आप करें, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया है, नाश्ते के सीन डन हो गए। अब मेरा दिल है कि मैं चाय पीऊँ, गर्मी बहुत है, आप ना पिएं, लेकिन मैं पीऊँगा और चाय मैं खुद ही बनाऊँगा। रोज़े में किसी पर कोई किसी किस्म का बोझ नहीं डालूँगा। तो अब चाय बनाते हैं। देखा, कोई ना कोई काम बन जाता है घर में, यही ऐसे ही डिस्टर्बेंस होती है। तो अभी कपड़े उतारने जाएंगे, इसके बाद चाय। यही सीन ऐसा है कि अभी छत पे जाऊंगा फुल टाइम दो के ऊपर, लेकिन जाऊंगा अम्मी का हुक्म है, आप भी अपनी अम्मी का हुक्म माना करें। तो अभी चलते हैं वहाँ से कपड़े उतारेंगे, क्योंकि अम्मी का वो कॉल, उनका कलर चेंज हो जाता है। ये बच्चा पहले से यहाँ मौजूद है, आधे कपड़े ये उतारेगा आधे में। कपड़े सारे उतार लिए हैं और ये बंदा बच्चा नहीं है, इसे बच्चा ना समझिएगा, ये अकल का फुल पक्का बंदा है, पक्का अजान। तो छत के सीन्स कुछ ऐसे हैं, बैक साइड पे नज़र आ रही होगी गंदम की फसल फुल तैयार है। तो दो तीन दिनों तक इसकी कटाई है, तब मैं एक और भी व्लॉग बनाऊँगा, उसमें मैं इसकी कटाई वाला सीन ऐड करूँगा, तो आप भी इंजॉय कीजिएगा। धूप होगी लेकिन मज़ा आएगा। मैं चाय बनाऊंगा, आप देखेंगे, तो बर्तन पूरे कर लूँ। दूध फ्रिज में पड़ा हुआ है, वहाँ से लेके आऊँगा, फिर उसके बाद प्रॉपर सीन्स होंगे, सिनेमैटिक शॉट्स दिखाऊँगा आपको। गांव में होने का एक फ़ायदा ज़रूर है कि दूध जब लेना हो तो बहुत बड़ी मिकदार में मिल जाता है, काफ़ी दूध है, लेकिन मैं एक कप की चाय बनाऊँगा। चाय हो गई है तैयार, नाश्ता भी हो गया, चाय भी तैयार होगी, लेकिन अब मैं इसे स्वीट्स के बगैर बिल्कुल भी नहीं पी सकता। आपने पीनी हो तो आप पिए, लेकिन मेरे लिए स्वीट्स का होना ज़रूरी है। आप वैसे भी पी सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है, सो मैं तो इसके साथ ही पीऊँगा। रुको, इस व्लॉग का मकसद तो बताना ही भूल गया, इसका कोई मकसद नहीं है, ये बस वैसे ही बनाया। आपने देख लिया, अच्छा किया, नहीं देखा तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे और बहुत से काम हैं, मैं बस बंद करके जा रहा हूँ, फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।